अचानक ही अम्मी को चक्कर आने शुरू हो गए, फ्रूट काट रही थी तो मुझे कहने लगी मैं फ्रूट नहीं काट पा रही है तो तुम खुद काटो। तो फिर मुझे कहने लगी कि पानी पी लूँ। मैंने कहा 10 मिनट रहते हैं तो 10 मिनट और सब्र कर जाए, आपका रोज़ा ज़ाया होता है। मैं अचानक बैठे बैठे क्या शुगर की वजह से शुगर लो हुई है या क्या वजह हुई है, क्योंकि बीपी भी कल अम्मी का नॉर्मल था। नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। और जनाब आज है 16वां रोज़ा ना जी, 17वां रोज़ा आज है। 17वां रोज़ा भूल जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरी, तो आज है 17वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अम्मी जा रहे हैं थोड़ी सी रमज़ान की भी शॉपिंग करने और साथ ही ईद की शॉपिंग करने। तो रमज़ान की पहले तो हमने की नहीं, पर अभी मेरे अबू कहते थे जब पैसे आए उसी वक्त बादशाह बन जाओ, तो बस हम भी बादशाह बनने जा रहे हैं। रमज़ान की भी थोड़ी सी चीज़ें लेंगे और साथ ईद की भी, अभी जो चीज़ें 10 दिन के लिए रह सकती हैं जैसे दाल चना चाट शाट बच्चे खाते हैं तो सेवियाँ वगैरह वो अभी ले लेंगे, बाकी जो कुछ चीज़ें वो एंड पर लेंगे। तो अभी गाड़ी ड्राइव बुक करवाते हैं, मेरे अम्मी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हम आ गए मार्ट में। अम्मी ये वाली नरम खजूर है, ये दूसरी है जो मैं लेके गई थी, ओ ये जड़ी में खड़ी आसी हैं, ये वाली नरम वाली हैं, अल्लाह अल्लाह मैं ये नहीं ना कहते नरम वाली हैं, बताइए तू सोचा था थोड़ी ना सारे ते। अच्छा असि के दो दो खा कहते हैं चाह कहो भी छोड़ दो। चलें जी अब आखिरी चीज़ लेते हैं सरफ। ये आधी चीज़ें तो हमारी हो गई हैं, अब कुछ चीज़ें और देखते हैं और चलते हैं घर की तरफ। इधर आए ना आप, तो जनाब बुक करवा लिया रिक्शा, अब चल रहे हैं घर की तरफ। सामान जितना लेना था जितना यहाँ था ले लिया है कुछ, बाकी जो है अब हाथ से मंगवा लेंगे। दे दो शॉपर मुझे भी पकड़ा दो, मैं भी चल रही हूँ। ए शॉपर अफान को भी पकड़ाओ, खड़ा है। अस्सलामु अलैकुम, क्या ले आए हैं? हारिम के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, हारिम के लिए अफान दोनों के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। आई हाय आई हाय। तो जनाब को भूख लगी हुई थी, कुछ और तो ये खाते नहीं है बिल्कुल, इसे या ये जूस पीता है या फिर ये चिप्स खा लेता। फिर मैंने कहा बिल्कुल ही बुखार रह रहा है कि इतना पीला पीला भी हुआ हुआ है, तो फिर मैंने इसको चिप्स बना दिए हैं और जनाब सारा सामान संभाला, उसी में मेरा सारा टाइम लग गया। आप नमाज़ पढ़ के और वीडियो मैंने एडिट की नहीं है, वीडियो एडिट करके कल वाला व्लॉग भी डालना है, उफ कितना काम है आपकी बहन के सर पर। तो उसके बाद रात को इफ्रा पकाई की उसकी वीडियो बनानी है, अफ्तारी रखेगी उसकी वीडियो बनानी है, फिर सारी वीडियो भी बनानी है, मैंने इतना काम मैंने करना है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद जोर की नमाज के बाद इफ्तारी के टाइम। A few minutes later. मैं सर का वक्त हो गया हुआ, अजानें हुई हैं तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा फटाफट पहले खीर बना लूँ और फिर जाकर नमाज पढ़ूंगी, क्योंकि इफ्रा मैडम उठ जाती हैं, उनका कहना होता है कि मेरे आने से पहले पहले आपने किचन फारग कर देना।
तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई और अभी बनाऊंगी खीर। और आपको बताती बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ, और कल वाली रेसिपी वाली नहीं होगी मेरी खीर इंशाल्लाह। ये बहुत सालों से मैं ये खीर बना रही हूँ, मुझे मेरे साथ की कुलीग ने बताई थी। और झटपट बनने वाली खीर है, और पहले हम वो डब्बों वाली लेके उस तरह बनाते, उन्होंने जब से मुझे ये खीर बताई मैं इसी तरह बनाती हूँ। वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, बहुत ही आसान है, घर पर बनने वाली है, और जो चावल रात के बचे हैं उनकी बनने वाली है। अब ये रात को चावल बचे थे, इफ्रा ने नरम कर दिए थे, किसी ने भी नहीं खाए। तो इफ्रा वैसे नरम करती नहीं थी, रात को कहीं ये रमज़ान में उसको आदत है चावल थोड़ी चखती है कि ये चावल गला या नहीं। अब रमज़ान में तो चख नहीं सकती, तो अक्सर उसे ये नरम हो जाता है, ये सख्त रह जाता है। तो जिनका चीनी, दूध और खेवड़ासस, ठीक है, चंड्रॉप्स, खेवड़ा सस, जी जनाब, बस इन चार चीज़ों की खीर आपकी रेडी हो जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान अगर पास हो ज़ाफ़रान डाल दें, और अगर आपके पास खुशक मेवा डाल दें, आपकी मर्ज़ी। और ये अगर आपके रात के चावल बचे हैं, रात के चावल ज़ाया करने की जगह आप उसकी खीर बना लें और एक मज़ेदार स्वीट डिश घर वालों को इंजॉय करवाएं, खुद भी इंजॉय करें। तो सबसे पहले मैंने चावल और दूध डाले ग्राइंड जूसर में और ग्राइंड कर लिया, और सीधे पतीली में डाल के सारा, और जो दूध हमारे पास बचा हुआ था वो सारा दूध भी वापस डाल लिया। मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध यूज़ किया और चावल तकरीबन थे 1 कटोरी। आप अगर चावल जैसे ज़्यादा हो तो आप दूध भी ज़्यादा कर दें। और फिर जनाब इसमें थोड़ा सा चमचा चला के इसको पकने दिया, और जब ये पक गया तो इस पर डाले जनाब चीनी। चीनी मैंने डाली है तकरीबन आधा कप। आप ज़्यादा अगर चीनी पसंद करते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम चीनी कम पसंद करते हैं। तो फिर इसमें सारी चीनी डाली मैंने, और इसके बाद इसको दोबारा इसका चमचा चला लिया, और जनाब फिर इसमें हमने डाले खुशक मेवे। खुशक मेवे आपके पास जो अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मेरे पास थे अखरोट, और मैंने डाले अखरोट, सापकी और नारियल। आपके पास अगर हो पिस्ता बहुत खीर में मज़े का टेस्ट देता है, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। आपके पास अगर हो तो आप डाल लें। और ये नारियल थोड़ा सा मैंने बचा के गार्निशिंग के लिए रख दिया था। तो एंड पे बस इसको चमचे चलाएंगे और एंड पे डालेंगे इसमें आख पे खेवड़ा एसेंस। बस जी जनाब, हमारी खीर की इतनी चीज़ें हैं। खुशक मेवे में अगर आप पिस्ता हो तो वह लाजमी डालिएगा, चूँकि खीर में पिस्ते का एक अपना ही मज़े का टेस्ट देता है। लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े की बनी थी, ये हमारी खीर पूरी तैयार। थोड़ी सी ज़ाफ़रान पड़ी हुई थी, मैंने वो पानी में डाल के डाल दी थी। और ये देखते हैं हमारी खीर इज रेडी। तो अम्मी बना रही हैं फ्रूट चाट, और मैं अब दिसंबर के कपड़े चेंज कर लूँ। नहीं, क्या कर रही है ये देखें, क्या चपक सब बच्चे लाते हैं, जो पैकेट पैकेट बच्चे होते हैं उसको मैंने काट के पहले एक में से देखें कितना ज़्यादा कैचअप निकाला है, और अभी जब दूसरे को काटूंगी इसमें से भी कैचअप निकालूंगी। तो क्या कर रहे हो अभी समझ नानी कुछ पूछ रहे हैं? अभी साहब क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो? कैमरे में एक्सरसाइज कर रहे हो या कर रहे हो? 18 ये देखिए, गिनो जरा, गिनो इतने सही करने, मेरे को इतने सही करने, मेरे पाँव एक्सरसाइज करे ना। क्या कर रही हैं आप? ये आ गया फ्रूट चाट, ये साथ में चिकन चिकन रोस्ट, स्टीम रोटियाँ, वो टाइम का शरबत, एक खजूर है, ये खजूर है। तो अब टाइम थोड़ा रह गया, बस दुआ करते हैं हम सब। तो जनाब सब ने अफ्तारी कर ली, अब्दुल्ला नमाज पढ़ के अभी आया है, खाना खा रहा है, और ये खीर आखिर पर हम खा रहे हैं। और सच में मज़े की बनी है, वाह वाह क्या बात है। आज है ना मास्टर शेफ वाले हाथ लगे हैं, रात के बच्चे चावल देखें उसकी खीर बनाएं, और फर्स्ट क्लास मेहमान आ गए, फटाफट आपने स्वीट डिश बनानी है। चावल पड़े हैं फ्रिज में, निकालें और ग्राइंड करें और दूध डालें और खीर बना लें। वाह। और ए फ्यू मिनट्स लेटर हम जा रहे हैं, अम्मी जाएं, हम जा रहे हैं। अल्लाह अपना बेटा नजर नहीं आता, पीछे से पिटने शुरू हो जाएगा उसको, वो नहीं पिटता। مرد مجاہد جاگ سارا وقت شہادت آیا، اللہ اکبر۔
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये है अपना बी ब्लॉक, ये हमारा बी ब्लॉक है, इस पर हम दंदनाते फिरते हैं। अभी तो हम नेक मकसद के तहत घर से निकले हैं, हमारा हर कदम पे फरिश्ते हमारे पाँव के नीचे पर फैलाते हैं। बस कर दें मम्मा, बस कर दें। एक तो जोश दिलाती, देखो हम नेकी के काम पे जा रहे हैं, हमें एक जोश जज्बा होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हो? रोज जोश जज्बे के साथ जाया करो। देखो मैं पहली दफ़ा कितना मेरे अंदर जोश जज्बा, तुम लोग रोज जाते हो ठंडे ठार ऐसे जैसे मम्मा अच्छा सा दे रही है, मेरी तरह कभी कभार जाया करो। नहीं नहीं, मैं तो बीमार हो गई थी ना, मेरे लोगों को पता है, मेरे YouTube फैमिली को पता है कि मैं बीमार हो गई थी। बस निकल के ना जो मेंटली आप स्ट्रेस फ्री होते हैं ना, उसकी कोई बात ही नहीं है। इतना सुकून आता है रात का ठंडा ठंडा मौसम और रोड पे चलना, एक अलग ही मज़ा इस टाइम बाहर निकलने का। मैं इसीलिए मैंने रात की वॉक भी रखी थी, लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ होता रहा, बीमार हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। तो चलें अब तरावियाँ भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाती है। आज हमारी हो गई और अब हारिम के डायपर लेने आओ ना, ले लेते ना हारिम के डायपर लेने, वापस घर चलते हैं। बच्चे डर गए। आदमी तो उड़ गया था। ये मेरे साथ नहीं है, मैं इन औरतों को नहीं जानता। आदि आदि तो पीछे दूर हो गया हमसे, ये औरत मेरे साथ नहीं है। A few minutes later. जी अम्मी, आपको कल क्या हुआ था? मुझे चक्कर आ रहे थे, और क्या हुआ था? कल अफतारी से पहले अम्मी बैठी हुई थी, अभी 10 मिनट रहते होंगे, तो अचानक ही अम्मी को चक्कर आने शुरू हो गए। फ्रूट काट रही थी तो मुझे कहने लगी मैं फ्रूट नहीं काट पा रही है, तो तुम खुद काटो। तो फिर मुझे कहने लगी कि पानी पी लूँ। मैंने कहा अभी 10 मिनट रहते हैं तो 10 मिनट और सब्र कर जाएँ, आपका रोज़ा ज़ाया होता है। लेकिन ये अफतारी के बाद अम्मी की तबीयत ख़राब रही, फिर भांजा मेरा अम्मी को डॉक्टर के पास लेके गया था। लेकिन अभी अम्मी के एक भांजी डॉक्टर है और एक भतीजी डॉक्टर है, अम्मी दोनों से मशवरा ले रही हैं। और कल जाना है अम्मी ने, शुगर का टेस्ट करवाना है और फिर देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। चूँकि अम्मी को शुगर के इससे पहले टेस्ट नहीं करवाया, बहुत पहले करवाया था, चार पाँच साल पहले ना। नहीं जिंदा है सब पहले से, जब मेरा भाई ज़िंदा थे तकरीबन 3 साल, तो भाई को फोत हुआ हो गया, तो उससे पहले अम्मी ने चेक करवाया था। तो उस वक्त तो अम्मी की नहीं थी शुगर, लेकिन अभी शक लगा रहा है कि सबको अम्मी को शुगर है। तो कल अम्मी का शुगर का टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे पता चलेगा कि क्या वजह है, क्योंकि अम्मी को इस तरह अचानक बैठे बैठे क्या शुगर की वजह से शुगर लो हुई है या क्या वजह हुई है, क्योंकि बीपी भी कल अम्मी का नॉर्मल था। तो अभी उसके बाद तो नहीं है चक्कर आपको? भी आंदा अम्मी के लिए मेरी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसी बात के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरी वीडियो को स्किप किया बगैर पूरी वॉच किया करें। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। तुसी भी अल्लाह हाफिज़ बोल लो। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।